बंगाल के कोलकाता शहर में महिला डॉक्टर के साथ हुई हत्या जैसी विभत्स घटना ने समूचे देश में आक्रोश है और विरोध प्रदर्शन के सुर चारों ओर से उठने लगे हैं। इसके तहत ही ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले कटनी जिले के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ ने अपना विरोध जताया। साथ ही महिला डॉक्टर के साथ घटी घटना पर अपना विरोध जताने रेलवे स्टेशन से मिशन चौक तक कैंडल मार्च निकाला और सभी ने कैंडल जलाकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी दौरान डॉक्टर ने कहा कि महिला डॉक्टर के साथ ऐसी घटना से महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है और सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। इसके आगे उन्होंने कहा कि उस घटना के अपराधियों को जल्द पकड़कर फांसी की सजा दी जाए। इसके तहत ही मिशन चौक पर आईएमए के सदस्यों ने एसडीएम प्रदीप मिश्रा को मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा। कटनी से जाहिद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। जी, हमारी आईएमए के द्वारा निकाला गया है और हमारी कोलकाता में जो अपने स्टूडेंट जो पीजी स्टूडेंट है उनके साथ जो रेप प्लस उनका मर्डर हुआ बहुत बुरी तरह से, उनके अगेंस्ट हम सब इकट्ठे हुए हैं। आज आईएमए प्लस नॉन मेडिकल्स वाले संस्थाएं भी आई हैं, जितने अपनी महिला संस्थाएं वो लोग भी आई हैं, जॉइंट सहेली सारे ग्रुप आए हैं पूरे कटनी के, जिनको जिनको हमने खबर किया है। तो आज की जो कैंडल यात्रा हमारे जो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन है देशव्यापी, उसके आह्वान पर हमारी जो जिला शाखा है आईएमए की उसके द्वारा आयोजित की गई, कलकत्ता के जो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक की ड्यूटी के दौरान जो घटना घटी, घटना के साथ ही उसकी मर्डर भी हुआ, उसके विरोध में पूरे देश में डॉक्टर लॉबी में आक्रोश है। और उसी कार्यक्रम में यहाँ भी एक कार्यक्रम रैली के रूप में रखा गया, शांति मार्च निकाला गया और कैंडल